भारतीय क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर मोहम्मद शामी ने साबिक लेजेंडरी क्रिकेटर और कप्तान इंजमामुल हक की बॉल टेम्परिंग से मुतालिक उठाए गए सवाल का जवाब दे दिया। एक मकामी यूट्यूब पॉडकास्ट को इंटरव्यू देते हुए भारतीय फास्ट बॉलर मोहम्मद शामी ने T20 वर्ल्ड कप के दौरान अर्शदीप सिंह पर लगाए गए इंजमामुल हक की बॉल टेम्परिंग के इल्जाम पर लपकुशाई करते हुए कहा कि वो पाकिस्तानी अवाम को धोखा देना बंद करें। अगर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए आया तो 3 गेंदे लेकर जाऊंगा और इन्हें दिखाऊंगा कि इनमें कोई डिवाइसेस नहीं थी और 20 लोगों के सामने गेंदों को 2 टुकड़े कर दूंगा। इन्होंने कहा कि मुझ पर 2023 के वनडे वर्ल्ड कप के दौरान गेंद में डिवाइस लगाने का इल्जाम लगाया गया। क्या अजीब बच्चों वाली बातें कर रहे हैं। इनजी भाई का बहुत एहतराम करता हूं लेकिन ऐसे बयानात की इनसे तवक्को नहीं करता। मोहम्मद शामी ने कहा कि पाकिस्तानी बॉलर्स ने ही रिवर्स स्विंग का जादू पूरी दुनिया को सिखाया और अब ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं। इंजमाम भाई को माजी में अपने बॉलर्स की जानिब से गेंद से छेड़ चार करने के वाकयात को याद रखना चाहिए। भारतीय फास्ट बॉलर ने कहा कि बॉल में डिवाइस लगाकर स्विंग करवाने का बयान निहायत ही अजीब है, लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है। इन्होंने कहा कि इंजमामुल हक रिवर्स स्विंग के आर्ट को मुतारिफ कराने वाले लोगों में शुमार होते हैं। कबल अजी T20 वर्ल्ड कप 2024 के दौरान एक इंटरव्यू में साबिक कप्तान इंजमामुल हक ने इल्जाम आयद किया था कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में अर्शदीप 15वें ओवर में गेंद रिवर्स कर रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि बॉल के साथ छेड़खानी की गई थी।